हमारे बीच आज पीयूष देसाई जी हैं। पीयूष भाई का परिचय एक बहुत विशिष्ट परिचय इसलिए है क्योंकि गुजरात के साथी तो जानते ही हैं, दिल्ली के साथी भी जानते होंगे, वाघ बकरी करके गुजरात की एक सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे मशहूर चाय है। गुजरात के हर एक घर में शायद ही और कोई चाय मिलती होगी जो वाघ बकरी से कोई अलग चाय हो, और ये 150 साल, शायद 150 साल से भी पुरानी उनकी चाय की ब्रांड है। लेकिन आज वो हमारे बीच क्यों है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग अपने अलग अलग व्यवसाय में होते हैं और खास करके इस तरह के कोई कंपनी चलाना या अपना बिजनेस करना, लेकिन उसके साथ हमेशा सतत सामाजिक निस्बतों के साथ रहना। चैरिटी का काम बहुत लोग करते हैं, कहीं पे दान देना, दया धर्म करना, CSR के नाम पे बहुत सब कुछ ना कुछ काम करना, ये सब होता रहता है। लेकिन पीयूष भाई की बात और ज्यादा अलग है। पीयूष भाई ने कम्युनल हार्मनी के लिए पीयूष भाई हमेशा खड़े रहे हैं, और किसी बिजनेसमैन के लिए, किसी बिजनेस ऐसी एक प्राइवेट कंपनी के लिए इस प्रकार के दौर में कम्युनल हार्मनी जैसे विषय पर ओपनली खड़े रहना, कभी भी किसी से भी डरे बिना, या अपना बिजनेस का क्या होगा, या कहीं सरकार की ओर से दिक्कतें आएंगी, समाज कैसे इसको स्वीकार करेगा नहीं करेगा, इस किसी भी बात की बिना परवाह किए पीयूष भाई हमेशा, चाहे वो 2002 के दंगे हो या आगे पीछे कभी भी हो, पीयूष भाई जो जहाँ जहाँ भी इस तरह से घटनाएं घटी हैं या और कुछ भी वारदातें हुई हैं, तब और उसके आगे पीछे के विचार को लेके जो संगठन है उसके साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, संगठनों को भी उनके होने से काफी सहारा मिला है। तो ऐसे पीयूष भाई उनको भी अपनी खुद की बात बताएंगे कि वाघ बकरी की ये सोच के पीछे क्या है। अगर आप वाघ बकरी चाय लेंगे तो उसके पैकेट पर भी आपको उसका स्लोगन मिलेगा, जो मुझे अभी वर्ड टू वर्ड नहीं याद है, लेकिन उस पर लिखा है कि ये एक ऐसी ब्रांड है जो हार्मनी में मानती है। तो नहीं, वो तो है, उसके अलावा भी है जो जिसमें हार्मनी को लेके लिखा, आपकी गुड मॉर्निंग टी के ऊपर लिखा होता है, तो मालूम नहीं और कौन सी प्राइवेट ब्रांड है देश में जो ये कहेगी कि हम हार्मनी के लिए, हार्मनी में मानते हैं, सोशल हार्मनी में, पॉलिटिकल धार्मिक हार्मनी में मानते हैं और उसको लिख के उसके लिए आगे चलेंगे। यहाँ मेरा जो रोल है तो ऐसे काम जो वैसे समाज के लिए एक प्राणवायु की तरफ होते हैं, ऐसे जब भी कोई प्रसंग हम देखते हैं तो ऐसे प्रसंगों को सपोर्ट करना मैंने मेरा एक यानी सिद्धांत समझा, एक मेरा कर्तव्य समझाया। अभी तो यानी अध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष माननीय श्री प्रकाश भाई, सुजाता बेन जी चौधरी, विनोद मल जी, सलीम मिश्रा जी उपस्थित, सब सज्जन सन्नारिया, स्पेशली गीता बहन को और मोदिता बहन, उनको खास धन्यवाद कि कार्यक्रम का आयोजन किया और ताकि एक नेशनल मूवमेंट फ्रंट क्या चीज है इसका सबको पता चला और ये इसका प्रचार यहाँ गुजरात के मीडिया और सभी को, अगर मुझे पहले से इतना थोड़ा जानता होता इसके बारे में तो शायद ये कार्यक्रम इसके संदर्भ में थोड़ा कोई मामला नहीं, पहले हम लंच या डिनर लेते तो पहले एक सूप होता है और बाद में बड़ा जब मिंग फोर्स आता है, तो हम चाहते हैं कि इसका वंस मोर 2 अक्टूबर के आसपास किया जाए और उसके लिए हम आपके पास खड़े हैं, हम आपके लिए हम हाजिर हैं। यहाँ बरबर 2 महीने पहले सौरभ जी वाजपेयी आए थे, इनको हमने सुने थे, तो ये उदिता जी और मुदिता बहन और नीता बहन ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को यहाँ गुजरात में पेश करते, तो चुनिका का जाने के बाद में ये कुछ यानी वैक्यूम खड़ा नहीं हुआ है अभी तक इनसे, रादर ये जो लेटेस्ट मॉडल इनके है, इनके हाथ इनकी नज़र में तैयार हुए हैं, तो ये सभी यहाँ के मेरे आज ऐसे सभी समारोहों के मोस्टली अध्यक्ष स्थान पर पाए जाते प्रकाश भाई और इनकी मार्गदर्शन हेतु अभी हमारे लोक समिति के अध्यक्ष प्रकाश भाई है,
चुनिका का के बाद जैसे इस तरह से इन्होंने काफी प्रेरणा देकर है। एक चीज आपसे बताऊं, जब बात बकरी का उल्लेख किया तो हमारा जैसे कि जमलाला जी बजाज, घनश्याम दास जी बिरला, वो तो काफी बड़ी हस्ती इसके सामने हम कुछ नहीं, मगर हमारा भी इतिहास तो इतना गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी और मेरे दादाजी नारायण दास कुबेरदास देसाई राजकोट के आल्फ्रेड स्कूल में एक ही बेंच पर पढ़ाई किया इन्होंने। और जब गांधी जी लॉ ग्रेजुएट, उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दक्षिण अफ्रीका, किसी ने बताया कि वहाँ के पैसे ज्यादा दमदार होते हैं, तो नारायण दास और गांधी जी मोहनदास दोनों साथ में स्टीमर में दक्षिण अफ्रीका डरबन गए। वहाँ गांधी जी ने अपनी प्रैक्टिस शुरू किया और इसको क्या किया जाए, तो उसी समय पर इन्होंने यानी कुछ लेबरर्स चाय, दक्षिण अफ्रीका में चाय पकती है जैसे इंडिया में पकती है, तो वहाँ के लेबरर्स कुछ आए कि गांधी जी आप कुछ हमारी सहायता कीजिए, ये ब्रिटिशर्स लोग टी प्रोड्यूसर से जब हमारा चाय का प्लकिंग कम होता है उस समय पर हमारा यानी हाथ के ऊपर में सोटी लगाते हैं, हमें बहुत पीड़ा देते हैं। तो गांधी जी ने यानी उसी समय पर देखा कि एक बागान, चाय का बागान लीज पर देने के लिए बाहर बोर्ड लगा हुआ था, तो उस समय गांधी जी ने मेरे दादा को बताया कि नारायणदास तुम देखो तुम्हारे पिताजी पैसा भेजते हैं तो ये बागान तुम लीज पर ले लो। तो दादाजी ने यहाँ राजकोट में मेरे दादाजी के फादर दीवान थे, तो दीवान यानी आजकल के मिनिस्टर की माफी पावर रखते थे, तो इन्होंने अपने यंगर जनरेशन का भरोसा रखा और पैसे भेजे जो कुछ भी, तो वहां से इन्होंने चाय का बगान 1882 आज से 135-30 साल पहले चाय का खेती वहां शुरू किया और कुछ प्रॉब्लम वहां तक सॉल्व हुए। बाद में इंडियन को हटाने के लिए वहां से जो चला कि इंडियन इंडिया वापस आओ, तो सब छोड़ के मेरे के दादाजी यहाँ 1905 में वापस आए, और जब इनको यहाँ आकर के फैमिली को यहाँ अहमदाबाद ठहराया, और उस समय चाय का बागान के लिए एक मैनेजर चाहिए, वो फोर्स ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट सुना पेपर में आया, तो वो उन्होंने साउथ इंडिया जाकर के वो चाय का यानी कि मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया। उसने बोला मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपको ये अच्छा कोई रिकमेंडेशन लाई है, परिचय लाई, तो बोला गांधी जी का चलेगा, तो बोले हाँ चलेगा। तो वो वहाँ से पुणे गए, पुणे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अंदर गांधी जी ने काम शुरू किया था, वहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया, आज हमारे वहाँ मेरे पास भी है। इट वॉज सर्टिफिकेट गिवन इन 1915 फरवरी कि ये आई नो मिस्टर नारायणदास देसाई हु वाज अ सक्सेसफुल टी प्लांटर इन साउथ अफ्रीका डरबन, ही वाज विद मी। वो सर्टिफिकेट से इनको जॉब मिला, 5 साल जॉब किया, क्योंकि वैसे ही सब चीज छोड़ के आ गए, वहाँ जॉब लिया। जॉब के बाद में इन्होंने यहाँ 1919 में आकर के एक चाय शुरू किया, दैट इज वहाँ से 100 साल लास्ट ईयर चाय का पूरा हुआ। मैंने 3 साल पहले यही कंपनी से मैनेजिंग डायरेक्टर का पद पोस्ट छोड़ के, मगर सब के आग्रह से मैं एज अ चेयरमैन इस कंपनी के साथ चालू रहा। तो ये सभी चीज देखते हुए जो जो विचार यहाँ रखे गए काफी यानी महत्वपूर्ण और काफी प्रेरणादायी है, तो हम चाहते हैं कि नीता बहन आपके पास बोधिता है और नीरज भी है और बाकी सब जितने भी सोशल वर्कर को यहाँ एक नई दिशा मिलेगी, सोशल नेशनल मूवमेंट फ्रंट को जितना भी हो सके यहाँ प्रवृत्ति के लिए आप यानी मदद रूप रहिए, और इसके साथ में हम यानी कि जितने भी हमारे कुछ और भी मित्र है जैसे प्रकाश भाई शाह है कि जो चुनी भाई के कार्य से, चुनी काका के कार्य से काफी प्रभावित है, तो इसके ये काम के अंदर में अभी मैंने कुछ एक हॉल के अंदर में 2-3 जगह कश्मीर इश्यू पर लेक्चर रखने के लिए हमारे जो यानी एक सीनियर मित्र वाई के अवर यूनियन मिनिस्ट्री के चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर थे और प्लानिंग कमीशन के शायद चेयरमैन थे, इन्होंने एक सुझाव रखा था कि पीयूष भाई यहाँ आप मिस्टर एन एन वोरा करके कश्मीर में गवर्नर रह चुके हैं, इनका एक लेक्चर आप कश्मीर इशू पर रखिए। तो वो समय 2-3 महीना निकल गए,
अभी ये जब कश्मीर का इश्यू इतना हॉट हुआ, इतना यानी रेलेवेंट हुआ, तो हमने यहाँ एक तो हॉल में तलाश किया, मगर हॉल के आयोजक बोलते हैं कि ये जरा इशू थोड़ा ठंडा पड़ने दो अभी, यानी ये इशू पर लेक्चर करने के लिए, कोई ठंडा पड़ने के बाद चर्चा करने से क्या फायदा। तो ये इशू पर वो हॉल दो तीन हॉल ढूंढे, मगर इतना कोई ऐसे हिम्मत नहीं रखते, शायद हम रखते हैं कि गुजरात विद्यापीठ, मगर कई जगह सॉरी टू से विद्यापीठ भी ऐसे पॉइंट पर कभी कभी पीछे हट जाती है, ये नहीं होना चाहिए। जो गांधी जी उनके नाम पर यह विद्यापीठ बनी है, तो यहाँ 400-500 का सीट का हॉल है, ये हॉल के लिए तो पीछे एक नया हॉल खड़ा करना पड़ेगा, तो शायद वो लोक समिति या प्रकाश भाई शाह के प्रयत्न से ही हो सकेंगे। ऐसे ऐसे लेक्चर, ऐसे ऐसे लेक्चर में जो आते हैं वो योगदान देंगे उसके, और बाकी के हम इस तरह से प्रेरणा से दूसरे मित्रों इकट्ठे करते हैं, तो धन का सही सदुपयोग ऐसे कार्य के अंदर में जब धन जाता है तो तभी ये सच्ची लक्ष्मी कही जाती है, नहीं तो लक्ष्मी जी को यानी पैसे को जाने के लिए कहीं जगह होती है, मगर इसको जब एक संतोष होता है कि ऐसे कामों के लिए जब कोई चीज, तो जैसे कि वेदों का सार भगवत गीता कहते हैं, इसी तरह से मैं गांधी जी के इससे प्रभावित हूँ कि पुराने जैसे गौतम बुद्ध जी की बात या कबीर, नानक या तो यीशु ख्रिस्त, सभी को एक ही में देखना हो, इसका यानी ज्ञान प्राप्त करना हो, उससे कुछ सीखना हो, तो अभी तो पुराने काफी चले गए, जो नजीक में है गांधी विचार और गांधी जी जो बात रखे गए, तो ये दैट इज अ भगवत गीता का स्थान, वेदों का सार भगवत गीता में, ऐसे पुराने जितने भी संत हो, जितने भी महापुरुष हो गए इतिहास के, तो शायद वाजपेयी जी सौरभ जी एग्री होंगे कि इसी तरह से गांधी जी को ही थोड़ा पढ़ ले समझ ले, तो इनसे हम काफी कुछ, एक हमारे लिए जरूरी थोड़ा कुछ तो इसमें से मिल जाता है प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। तो जैसे लंका जीतने के बाद, शायद लंका जीतने के बाद राम चाहते तो वो लक्ष्मण या भरत या शत्रुघ्न को वहां बैठा सकते, मगर यानी मैं मुझे कुछ ये इसको अटैच नहीं करना चाहिए, मगर मैं रह नहीं सकता हूँ कि ये करंट इश्यू है, इसमें एकेडमिक इंटरेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर ने भी करना था, कह दिया आतंकवाद को हटाने के लिए या जो कुछ भी ये इश्यू चैलेंज करने के लिए, और प्रजा का इतना साथ मिलने के बाद इन्होंने सर्जरी तो कर दिया। हमारे एक मीडिया वाले एक दोस्त है जो बड़ी चैनल के चीफ है, उनको बोला भी क्या होगा ये कच्चा काट लिया या सही सर्जरी किया, बोले देखो पोस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट क्या होती है, ऑपरेशन तो हो गया, कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल तब होता है कि जब पोस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट से पेशेंट की जान बच जाती है, तो बोले भी थोड़ा दिन वेट करो पता चलेगा। तो अभी ये सर्जरी करना शायद हिम्मत से किया, समझो हिम्मत से किया, मैं ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मगर हम मान लिए हिम्मत से किया। तो इसके वेपन्स, इसके जो छड़ी है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो तो अगर गांधी जी के होंगे तभी ये सर्जरी ठीक समझा जाएगा, बाकी कोई ऐसे वेपन्स नहीं है कि जिससे आज दूसरा आगे वाले 50 साल के लिए हमने प्रॉब्लम खड़े कर दिए, ऐसा भी एक दूसरा मत हो सकता है कि आगे आने वाले के लिए अगर ये कच्चा सर्जरी हो गया, प्रीमेच्योर सर्जरी हो गया, तो पेशेंट को तो यानी सर्जरी करने के लिए कितने प्रिकॉशंस लेने पड़ते, गांधी जी होते तो शायद उसी जगह जो चारों को, शायद मैं इसे स्टेटमेंट देने के लिए मेरा ऑब्जर्वेशन रखने के लायक नहीं हो, मगर आपको हम परिवार की माफिक देखते तो मेरे विचार शेयर करता हूं कि वो जगह पर उन्हीं चार में जिनको दिन भर रात को होम अरेस्ट किया, उसी में से चुन करके या तो वहां को योग्य व्यक्ति कश्मीरी हो उन्हीं को शासन दे करके, गांधी जी अगर होते तो उन्हीं में से उन्हीं को कश्मीरी को वहां के रख करके शासन दे देता, नहीं कि यहाँ से कोई, या तो वहां से जो बीजेपी का कंडी लगा हुआ हो उसी को उसका प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर बना करके बीजेपी का झंडा रोकने की हिम्मत मत करना चाहिए। जो इसी तरह से प्रजा का दिल, जैसे आपने वाजपेयी जी ने भी कहा, यहाँ भी स्पीकर से कहा कि जो दिल क्षेत्र का काम गांधी जी के जो दिल से जो परिवर्तन आया, या तो जो दिल जीत के जो विजय प्राप्त होता है, तो गांधी जी का पहले से यानी
कोई हिंसा से या तो कोई वैसे कोई टर्म से नहीं, मगर सामने वाले जो बैठे होते उनको कन्विंस करने के लिए एक परिवर्तन, वैसे तो सही वो टिकेगा, अदरवाइज इसका क्या आगे इसका जो यानी इसका क्या परिणाम आएगा मालूम नहीं। आम आदमी वालों ने नई सोच से कुछ ना कुछ कर दिया, तो हम तो चाहते हैं आप दूसरा खास आदमी बन जाइए। नेशनल मूवमेंट फ्रंट इज अ खास आदमी विदाउट जानिंग और विदाउट नेमिंग अ पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं चाहता हूं जैसे सोमनाथ पाटन से अयोध्या का एल के अडवाणी जी ने बड़ा राम भूमि का उसके लिए एक यात्रा बड़ा रथ निकाला, बड़ा बड़ी वाहन में निकले थे, तो आप भी जितने भी यहाँ बड़े बड़े यानी यंगस्टर्स है यहाँ बैठे हुए, ऐसे एक अगर NMF का एक फ्रंट निकलता है तो उसका स्पॉन्सरशिप मैं करूंगा। और आप देखिए हमारे जैसे अलग अलग स्टेट के अंदर में हमारे एजेंट्स भी है, हमारे ट्रेडर्स भी है, हम चाहते हैं। और इतना अभी भी गांधी जी के विचार के वाले लोग गुजरात के अंदर में तो है, बाकी स्टेट में कई जगह है। यहाँ आप बादाम देंगे तो बादाम के खाने वाले बहुत मिल जाएंगे, मूंगफली तो सर जगह बिकती है, तो आपके जो विचार में इतना दम है हर जगह आप सहयोग पाएंगे, हर जगह आप जाने इसका सरकार पाएंगे। और मेरी ओर से नेशनल मूवमेंट फ्रंट के लिए हम बिगर बातें किया, हमने बोल दिया, स्पीकर ने बोल दिया और तमाशा हो गया, ताली पर के कपड़ा खंजरी ने के गुजराती वहां बाहर निकली है वो नहीं। वो हमारे तरफ से नेशनल मूवमेंट फ्रंट ने 5 लाख रुपया डोनेशन पाया।